जेवर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत एक बार फिर सक्रिय नजर आया। किसानों के इस संगठन ने आज जेवर के बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की आवाज उठाते हुए किसानों के उन मुद्दों को भी उठाया जिनको लेकर काफी समय से किसान पीड़ित होते नजर आ रहे थे। युवा नेता पवन चौरोली के नेतृत्व में जेवर के विद्युत उपकेंद्र पर हजारों की तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा किसानों के बीच उपस्थित रहे अनेकों वरिष्ठ किसान नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। अरे पंचायत तय करेगी कि 24 साल से जाने के बाद किसान अनाथ हुआ है या नहीं हुआ है। जो ये अधिकारी जो अभी तक मैं बैठा देख रहा था, अधिकारी ये सोच रहे हैं कि 24 साल में जाने के बाद अब किसान की बात रखने वाला कोई नहीं है, तो हम जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकते हैं किसान के साथ। और ये जो अकाउंट वाले अंदर बैठे हैं प्रधान जी, इनको बाहर बुलवाने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर विद्युत उपखंड जेवर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों हजारों की तादाद में किसान इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, सक्षम अधिकारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं बैठी हुई हैं, माताएं हैं, इसके अलावा किसान हैं, बुजुर्ग हैं, युवाओं को आप देख सकते हैं चारों ओर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और कई पूरा रोड इस वक्त पूरी लगभग सैकड़ों ट्रैक्टरों से यहां जाम नजर आ रहा है। तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनसे बात करेंगे। और मेरे साथ एक बार फिर पवन चौरोली। मेन चीज है बिजली की समस्या जी, किसानों की बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है। एक इन्होंने क्या है कि प्रीपेड मीटर जो आज के टाइम में किसान के यहाँ पे घरों में जो डिजिटल मीटर के नाम पे एक तरह से जब हम फोन रिचार्ज करते हैं, इस तरह से नई मीटरों की वो लेके आ रहे हैं हमारे यहीं कि पहले रिचार्ज करो उसके बाद में फिर हम इतनी ही बिजली आप यूज करोगे, तो किसान के लिए ऐसी वो लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने क्या करा कि बिजली फ्री खेतों की बिजली फ्री कर रहे हैं। कहने को तो बिजली खेतों की बिजली फ्री कर रहे हैं, पर ये मीटर क्यों लगा रहे हैं फिर खेतों पर? जब ये बिजली फ्री कर रहे हैं खेत, किसान की बिजली फ्री है नलकूपों की, तो मीटर लगाने का मतलब क्या है जंगलों में? तो ये धोखा तो किसानों के साथ है कहीं ना कहीं। अभी इलेक्शन आ रहा है तो आपने बोल दिया कि बिजली फ्री, और एक तरफ मीटर लगा रहे हो आप खेतों पे, इलेक्शन के बाद तुरंत जीत हो या हार हो आगे टाइम में तुरंत बिल फिर चालू। कहिए आपने 6 महीने का बिल नहीं दिया बीच में, वो उस पर पेनल्टी लग के आएगी किसान पर और दुगनी। तो किसान को क्यों ऐसा धोखा किसान क्यों कर रहे हैं ये लोग? तपती दोपहर में इस वक्त किसान बैठे हुए हैं, सक्षम अधिकारी की किसके आने की मांग की है आपने? क्या कोई अभी तक पहुंचा है अधिकारी यहाँ पे? नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं है। हमारे चीफ साहब से बात है, मैं ज्ञापन में भी चीफ साहब के लिए बोला था, चीफ साहब हमें यहाँ चाहिए और चीफ साहब से हम बात करेंगे वार्ता। तो जो मुख्य अधिकारी हैं विद्युत विभाग के, उनको आने की मांग की गई है। मावी साहब है मेरे साथ, काफी वरिष्ठ किसान नेता है। आज की जो ये सभा रखी गई है, क्या लगता है कि इस बार समस्याओं का समाधान हो पाएगा? समस्याओं का समाधान तो यूनियन ने जन्म ही समस्याओं का समाधान के लिए लिया है। समाधान नहीं होगा जब तक जो यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, हटेंगे नहीं यहाँ से जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आ जाएगा यहाँ। कितना समय हो चुका है बैठे हुए यहाँ? बैठे हुए यहाँ 9 बजे से बैठे हुए। तो 9 बजे बैठे हैं यहाँ पर, 3 घंटे हो चुके हैं। कोई बात नहीं, शाम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। शाम हो जाएगी फिर भट्टी भी चल जाएगी ही हमारी। जब तक अधिकारी नहीं आएगा यहाँ, हमारी समस्या नहीं सुनेंगे जब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। समाधान नहीं होगा, समाधान के लिए बैठे हैं। ज्ञापन दिया है चीफ साहब के नाम, बीच में एससी आते हैं, चीफ आते हैं, कितनी समस्याएं खत्म होती हैं पंचायत निर्णय लेगी। उनसे बात करने के बाद जो पंचायत निर्णय लेगी उसके साथ सभी लोग रहेंगे। तो सैकड़ों हजारों की तादाद में किसान जेवर के बिजली घर पर इस वक्त मौजूद हैं। चारों तरफ भीड़ का आलम है, चारों तरफ दीवारों पर युवा बैठे हुए हैं, ट्रैक्टरों पर लोग लदे हुए हैं, महिलाएं बहनें बैठी हुई हैं। इसके अलावा तमाम आप देख सकते हैं पूरा रास्ता खचाखच भरा हुआ है, लेकिन जिस सक्षम अधिकारी के आने की अभी तक मांग की जा रही है वो नहीं पहुँचे हैं। देखते हैं कब तक यहाँ सक्षम अधिकारी पहुँचते हैं और क्या किसानों की मांग सुनी जाती है और किन समस्याओं का यहाँ निदान किया जाता है। धर्मेंद्र भाई के साथ मैं चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। लेकिन पता लगी संग की संग के हैजा की दवाई रास्ते में चल रही है, हाईवे पे साथ साथ एम्बुलेंस में। बहुत बढ़िया, ठीक है। आ रहे हैं आपके यहाँ हैजा की दवाई लेने आ रहे हैं? सख्त चल रहा है बहुत ज्यादा। 4 घंटे तक तपती दोपहरी में किसान नेता
अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ विद्युत उपकेंद्र पर बैठे रहे। जब सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो किसानों ने रोड जाम भी किया, जिसके उपरांत विभाग के सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्या सुनी, जिसके बाद यह धरना प्रदर्शन शांत हुआ। अभी जो किया सरकार मोदी जी है यहाँ पे, मैं आया डेढ़ दो साल से जो काम पेंडेंट थे मैंने कराए, मैंने अलग से पे दिया उन चीजों के लिए, ऐसा नहीं कि डाल दिया किसी पे, मैंने ये नहीं कहा दस साल पुराने मैं नहीं करूंगा, मैंने उखाड़ उखाड़ के लग लग के चीजों को किया। पवन जी भी आए मेरे पास और जो जिसका जितना मदद होता है मैं करता हूँ, अब इसकी बात नहीं मैं बता रहा हूँ उसके साथ, अब मैं नाम नहीं बता ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।